तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने जा रहे हैं लेटर। तो चलिए, इंग्लिश का एक ऐसा पार्ट जिसको हम ग्रामर में बोलते हैं उसको लेटर। यानी सबसे पहले हम कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो इंग्लिश का बेसिक यानी ग्रामर शुरू होता है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं ए बी सी डी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज वही बताने जा रहे हैं ए बी सी डी। तो चलिए शुरू से वीडियो देखिए ताकि पूरा समझ में आवे, उसके बाद बताएंगे फ्रेंड्स वोवेल एंड कंसोनेंट। तो चलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है लेटर, यानी इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स अच्छा, ठीक है, लेटर यानी अच्छा। तो कहते हैं फ्रेंड्स कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। यानी कह रहा है फ्रेंड्स हिंदी में कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द को लिखते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम कोई भी अक्षर से, हम कोई भी जब वर्ड इंग्लिश में लिखते हैं तो कोई भी अक्षर से हम उसको अक्षर से एक एक अक्षर जोड़ जोड़ कर हम कोई वर्ड बनाते हैं। जिस तरह से फ्रेंड्स कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम डॉग लिख रहे हैं फ्रेंड्स डी ओ जी, तो देखिए इसमें तीन लेटर आया है। पहला लेटर है डी, दूसरा का लेटर है ओ और तीसरा का लेटर है जी। यानी कहने का मतलब कि तीन लेटर मिलकर के डॉग बना, ठीक है। अगर हम लिखते हैं फ्रेंड्स मान लीजिए कि काइट, तो देखिए सी है जो एक लेटर है, ए भी जो एक लेटर है, टी भी है जो एक लेटर है। यानी कहने का मतलब है कि तीनों मिल करके, यानी जो जो लेटर है, लेटर आपस में मिल करके क्या बना दे रहा है फ्रेंड्स, यानी शब्द बना दे रहा है। यानी कैट का मतलब कह सकते हैं फ्रेंड्स बिल्ली। इसी प्रकार एक शब्द बन गया, ठीक है ना। अगर हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि टी ए सी, तो देखिए फ्रेंड्स टी ए सी इसका मतलब कुछ होने हुआ था, ठीक है ना। अगर इसको उलट कर लिखे, पलट कर लिखे, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता। इसलिए अगर कोई यूनिट यानी कहने का मतलब जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम सजावट के तौर पर, जो जिसका वर्ड मीनिंग निकल सके, उसका कुछ मान हो सके, उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स लेटर, ठीक है ना। यानी लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम किसी भी अंग्रेजी को शब्द लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कि अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, कितने लेटर होते हैं फ्रेंड्स 26 को, जिन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। यानी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं उसे हम दो तरीका से लिखते हैं, पहला फ्रेंड्स कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर, ठीक है ना। तो कैपिटल लेटर यानी बड़ी अक्षर, ठीक है, और छोटी स्मॉल लेटर यानी छोटी अक्षर। तो देखिए फ्रेंड्स कैपिटल लेटर भी होता है 26, ठीक है, और स्मॉल लेटर भी होता है 26। तो चलिए फ्रेंड्स कैपिटल लेटर्स देखिए, कैपिटल लेटर होता है फ्रेंड्स, यानी कहने का होता है फ्रेंड्स कि कैपिटल लेटर 26 होते हैं। देखिए कौन कौन होता है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी कैपिटल लेटर भी 26 और स्मॉल लेटर्स भी 26। तो चलिए फ्रेंड्स स्मॉल लेटर भी जान लेते हैं, इसको ये बोलते हैं बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग लेटर के बारे में बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको भी दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी जो कैपिटल लेटर है तो इसको हम दो तरह के बांटते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं स्वर और बोलते हैं व्यंजन। यानी इसको दो पार्ट में क्या क्या है फ्रेंड्स, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल और दूसरा बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो चलिए फ्रेंड्स उसको बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, यानी वोवेल का हिंदी हुआ फ्रेंड्स स्वर और कॉन्सोनेंट का हिंदी हुआ फ्रेंड्स व्यंजन, ठीक है। यानी वोवेल किसे कहते हैं एंड कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले जान लीजिए कि वोवेल ए ई आई ओ और यू, यही पांच गो फ्रेंड्स ए ई आई ओ यू। यानी ए ई आई ओ यू को हम वोवेल्स कहते हैं, ठीक है ना। यानी ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वोवेल्स, मतलब कहने का मतलब कि ए ई आई ओ यू यही पांच गो है फ्रेंड्स, जो कि लेटर है पांच अक्षर है जो कि वोवेल कहते हैं, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, यानी जो ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी जितने सारे लेटर हैं, ठीक है ना, यानी ए आई ओ यू के अलावा बाकी लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है ना।
यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जितने भी हैं ए ई आई ओ यू ये पांच गो को छोड़कर फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं, यानी पांच गो को छोड़कर के हम जितने सारे जो है वो उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं ठीक है। यानी बोला जाए फ्रेंड्स कि कॉन्सोनेंट कितने हैं तो हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट 21 है, कितना है फ्रेंड्स 21 ठीक है। यानी कॉन्सोनेंट कितने हैं 21, और वोवेल पूछेंगे कितने हैं तो वोवेल पांच है, एक दो तीन चार और पांच, ए ई आई ओ यू वोवेल पांच है, और बाकी ए ई आई ओ यू को छोड़कर के जितने 21 गो हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं ठीक है। यानी कह सकते हैं ऑल द लेटर एक्सपेक्टेड ए ई आई ओ यू एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट ठीक है। तीसरा होता है फ्रेंड्स सेमी वोवेल, देखिए सेमी वोवेल फ्रेंड्स इसका हिंदी होता है अर्ध स्वर ठीक है ना, सेमी वोवेल का हिंदी होता है अर्ध स्वर, और डब्लू वायु को हम सेमी वोवेल कहते हैं, डब्लू और वायु को सेमी वोवेल कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जब शब्द के शुरू में रहते हैं, कोई भी शब्द के शुरू में जब रहते हैं डब्लू और वायु तो हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और जब ये शब्द शुरू में नहीं रहते हैं डब्लू और वायु जब शुरू में नहीं रहते हैं तो हम इसको वोवेल कहते हैं ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि समझ में आ रहा होगा, तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं फ्रेंड्स नाम के कितने नियम होते हैं उसको हम इंग्लिश करने के लिए सभी प्रकार के नाम को हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।